नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। दोस्तों यहां पे जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप लोग डिजिटल सेवा पोर्टल से आप लोग बनाएंगे, और दूसरा तरीका है कि जीवन प्रमाण पत्र के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों दोनों में क्या बेनिफिट है आप लोगों को ये बता दूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे तो आप लोगों को 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन बार पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपये का अमाउंट आप लोगों को देना पड़ेगा। दोस्तों यही काम अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे तो आप लोगों को कोई भी बैलेंस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल से काम करना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली काम करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके पास डिजिटल सेवा पोर्टल की आईडी पासवर्ड नहीं है। दोस्तों मैं डिजिटल सेवा पोर्टल से आवेदन किया था जीवन प्रमाण के लिए, तो मेरा 2 बार बैलेंस भी कट गया, लेकिन लास्ट में फिंगरप्रिंट के कैप्चर न होने की वजह से वे सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि आप लोग जीवन प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन करेंगे डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों गूगल में आप लोगों को सर्च करना है जीवन प्रमाण सर्विस। आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वाले लिंक को क्लिक कर लेना है, और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये चूज करना है कि आपको पीसी में इंस्टॉल करना है इसका सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल में। अगर आपको पीसी में करना हो तो पीसी पे क्लिक कर लीजिए। आप लोगों को अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है और आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करना है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या क्या आपको चाहिए वे आप लोग यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपका विंडोज 7 या फिर 8 32 बिट या फिर 64 बिट में होना जरूरी है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क का 4 वर्जन या फिर उससे ऊपर का वर्जन होना चाहिए, और ये भी रिक्वायरमेंट दिया गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। जैसे ही आप लोग ईमेल आईडी टाइप करके आई एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आप लोगों को जीवन प्रमाण का सेटअप इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और डाउनलोड करना है, और उसके बाद आप लोगों को आरडी सर्विस डाउनलोड करनी है। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे उसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। जो भी डिवाइस है आपके पास हो, चाहे मंत्रा की, चाहे स्टारटेक या फिर मर्फो, जो भी डिवाइस हो उस डिवाइस का आपको आरडी सर्विस और उसका सेटअप डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम लोग मर्फो का मेरा डिवाइस है तो मैं मर्फो पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, और मर्फो के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिंक लेके जाएगा जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से आरडी सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस रजिस्टर है या फिर नहीं है, उस डिवाइस की वैलिडिटी भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे आरडी सर्विस का सेटअप डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को डाउनलोड पे क्लिक करना है और विंडो पे क्लिक कर लेना है। आप लोगों के सामने यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग इसे कैंसिल कर लेते हैं लोग, और अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं लोग। दोस्तों इस सेटअप को इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले अपने डिवाइस का आरडी सर्विस इंस्टॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र का सेटअप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र को ओपन करना है, जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन बार पे देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो भी डिवाइस होगा उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि वह डिवाइस कनेक्टेड है और वह सफलतापूर्वक उसकी आरडी सर्विस यहाँ पे अटैच है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग रजिस्टर करके देख लेते हैं लोग। दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आप लोगों को जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करना है। चाहे आप ईमेल आईडी की मदद से जो ओटीपी आया है उसे आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए। चलिए हम लोग ईमेल वाली ओटीपी को यहाँ से ढूंढ लेते हैं लोग, और उसका वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं लोग। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी आ गया है, इसी ओटीपी को हम वहाँ पे टाइप कर देंगे और सफलतापूर्वक सेटअप को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे लोग। ओटीपी टाइप हो गया और यहाँ पे ओके पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम देना है, जो कि जो ऑपरेटर आप हों, जो भी आपका नाम हो वह नाम आपको यहाँ पे लिखना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका नाम आधार कार्ड में हो वही नाम आप लोग यहाँ पे टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये आधार से ऑथेंटिकेट होगा। आप लोगों को नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और स्कैन फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर लेना है।
और आपकी बायोमेट्रिक की बत्ती जल जाएगी, आप लोग वहाँ पे फिंगरप्रिंट देना है और उसके बाद ये सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस इसका हो रहा है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ये सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आप लोग किसी भी पेंशन भोगी लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो गया। आप लोगों को यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना है और थोड़ी देर बाद फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। चलिए हम लोग इस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गया। अब आप लोग इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी पेंशन भोगी का जीवन प्रमाण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वह सफलतापूर्वक बन जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे पेंशन का नाम टाइप कर देना है, उसकी पूरी डिटेल टाइप कर देनी है, पीपीओ नंबर टाइप कर देना है और यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके स्कैन फिंगर पे क्लिक करना है और उस व्यक्ति का फिंगर लेके जैसे ही आप लोग केवाईसी करेंगे यहाँ पे उस व्यक्ति का फोटो और पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के पेंशनर को दे दीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं और अच्छे इनकम कर सकते हैं। दोस्तों इसके संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।